हेलो एवरीवन, आज की डिश बहुत ही हेल्दी है एंड आई एम श्योर आपने पहले कभी ऐसी डिश नहीं खाई होगी। ये बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है। इसके लिए हमें लौकी लेनी है, इसको छील के धो के वॉश करके इस तरह से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद इस पे अच्छे से सॉल्ट डालना है। सॉल्ट डालने से लौकी का कलर ब्लैक नहीं होगा। अब इस सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि लौकी का कलर एकदम ग्रीन रहे और लौकी का पानी सॉल्ट की हेल्प से रिलीज़ हो जाए। सॉल्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम ले लेंगे मूंग स्प्राउट्स और एक मिक्सी में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूंग स्प्राउट्स को दरदरा पीस लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम स्प्राउट्स को भी एक साइड पर रख देंगे। अब हम अपने टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिलीज़ को चॉप कर लेंगे। मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, आप इसको कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब हमने जो लौकी अलग रखी थी इसके पानी को अच्छे से निचोड़ना है। हमने सॉल्ट डाल के रखा था तो लौकी ने अपना पूरा पानी छोड़ दिया है। अब हम इस तरह से लौकी को पूरा स्क्वीज़ कर लेंगे और इसके पानी को बिल्कुल निकाल देंगे। इस तरह से आपको पूरी लौकी में से पानी को निकाल लेना है और इस तरह से हमारी लौकी एकदम ड्राई हो जाएगी। अब हम इसमें अपना हरी मिर्च चॉप किया हुआ डाल देंगे। इसके साथ ही बहुत सारा हरा धनिया भी डालेंगे। हरा धनिया डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमने जो स्प्राउट्स को दरदरा पीस के रखा था उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। स्प्राउट्स बहुत ही हाई प्रोटीन होता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो ये मूंग स्प्राउट्स को भी हम अच्छे से इस लौकी में मिक्स कर देंगे। ये जो पानी हमने निकाला है इसमें आप नींबू और ब्लैक सॉल्ट और भुना जीरा पाउडर डाल के इसको ड्रिंक की तरह पी सकते हैं या आप आटे में भी आटा भी गूंथ सकते हैं। ये है वाइट सेसमी सीड्स वाइट तिल, तो मैंने इसमें आधा चम्मच वाइट तिल डाल दिया है। और ये है ब्लैक तिल और ये भी मैं आधा चम्मच के करीब इसमें डाल रही हूँ। वाइट और ब्लैक तिल कैल्शियम से भरपूर होते हैं और इसमें इस डिश के टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आएगा। अब हमने सॉल्ट डाल देना है। पहले भी हमने सॉल्ट डाला था तो ध्यान से डालेंगे और अपनी टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च और काली मिर्च को भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हमने जो सॉल्ट डाला है फिर से लौकी थोड़ा बहुत अपना पानी रिलीज़ करती है और बाकी चीज़ें भी पानी छोड़ देती हैं। हालांकि हमने इसको अच्छे से निचोड़ दिया था लेकिन इस पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच सत्तू पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपके पास सत्तू पाउडर नहीं है तो आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास बेसन भी नहीं है तो सिंपल आप चपाती बनाने वाले आटे को भी 1 या 2 चम्मच डालेंगे तो लौकी में जो थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ किया है वो आटा बेसन या सत्तू अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा पराठा फटेगा नहीं। अब मैंने लिया है 50 ग्राम पनीर और उसको भी मैंने अच्छे से क्रश करके इसमें मिक्स कर दिया है। अब ये बहुत ही टेस्टी स्नैक का भी एक हमारे पास ऑप्शन, इससे हम एक बहुत अच्छा स्नैक भी बना सकते हैं और पराठा तो हम बना ही रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो इसी मिश्रण से टेस्टी स्नैक्स बना सकते हैं। इस तरह से आप इसको कटलेट की शेप दे दीजिए और शैलो फ्राई कर दीजिए तो आपका टेस्टी हेल्दी और दिखने में भी अच्छा एक स्नैक तैयार हो जाएगा। लेकिन आज मैं इससे पराठे बनाऊंगी।
तो ये हमारा परांठे का मिक्सर एकदम रेडी है। हम अब नॉर्मल चपाती वाला आटा लेंगे और इस तरह से एक लोई बना लेंगे और थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसमें देसी घी लगाएंगे और अपने मिक्सचर को इसमें फिल करेंगे। इस तरह से हमने अपने मिक्सचर को इसमें फिल कर देना है। अब इस मिक्सचर में बिल्कुल भी पानी नहीं है तो हमारा परांठा बिल्कुल नहीं फटेगा। हम इस तरह से इसको अच्छे से सील करके पतला पतला बेल लेंगे। इस तरह से अब हम इसके ऊपर दोनों साइड से सूखा आटा लगा लेंगे और एक परांठे की शेप दे देंगे। ये बहुत ही टेस्टी है। और आप सबको ये बोलिए कि मैंने पनीर का परांठा बनाया है। किसी को समझ नहीं आएगा कि हमने इसमें लौकी डाली है या स्प्राउट डाले हैं, क्योंकि पनीर, धनिया, हरी मिर्च डालने से परांठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इस तरह से नॉर्मल हम किसी को खाली लौकी का परांठा खाएंगे खिलाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब हमने इसको बिल्कुल स्लो हीट पे पहले दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है ताकि अंदर लौकी अच्छे से पक जाए। दोनों तरफ से इस तरह से सेकने के बाद हम अच्छे से देसी घी लगाएंगे और इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारा कितना ही टेस्टी, हेल्दी और कैल्शियम, इसमें हमने सेसमी सीड्स डाले हैं उसमें कैल्शियम कितना है, लौकी डाला है, पनीर डाला है, स्प्राउट्स डाले हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट मील बन गया है। तो इस परांठे को आप दही के साथ, वाइट बटर के साथ, अचार और चाय के साथ जैसे खाना चाहें खा सकते हैं। सो आवर डिलीशियस सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी परांठा इज़ रेडी टू बी सर्व्ड।